हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फेरी स्टाइल्स विद तोशी। एंड आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ वो है फ्लिपकार्ट सेल का पार्ट 4। एंड ये लास्ट पार्ट है और मैंने अभी दिन में वीडियो शूट किया था और उसके मतलब थर्ड पार्ट का। तो मैंने बताया था कि मुझे कोई भी प्रोडक्ट रिसीव नहीं हुए हैं अभी, तो इसलिए जो भी प्रोडक्ट रिसीव नहीं हुए हैं वो उसका मैं पार्ट 4 करके अपलोड करूंगी। सो मुझे अभी शाम तक रिसीव हो गए हैं एंड मैं आपके लिए वो वीडियो ले आई हूँ। और गाइस, इतनी ज्यादा एक्साइटेड हूँ, आपको पता है मैंने खोल के नहीं देखा, मैंने सिर्फ और सिर्फ एक कुर्ती खोल के देखी है। और ये मुझे कुछ एक पैकेट ये रिसीव हुआ है आज, और ये इसका बड़ा पैकेट रिसीव हुआ है। एंड इसमें मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या मैंने आइटम लिए हैं, क्या क्या कुर्तीज ली हैं। एंड इसमें कुर्ती ही नहीं, एक जीन्स भी है। मैं आपको जीन्स दिखा देती हूँ। जो मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको जीन्स दिखाई थी वो टोक्यो टॉकीज की थी और उसका कलर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया था और उसको मुझे रिटर्न करना है। एंड उसी की मैंने ये ब्लू कलर ऑर्डर किया था और मैंने इसको खोल के नहीं देखा है, नहीं देखा गाइस। मैंने सोचा था कि जब मैं रिव्यू करूंगी तब आपके साथ ही देखूंगी। तो ये कुछ इस टाइप की, इसका तो कलर मुझे ठीक ठाक लग रहा है, ये जीन्स मुझे ठीक ठाक लग रही है। नहीं, ब्लू कलर अच्छा है और इसका फिट आई डोंट नो मुझे कैसा आएगा, बट मुझे लग रहा है कि मुझे बड़ा होगा। 32 मेरा साइज है, मैंने लिया था, बट मुझे लग रहा है कि मुझे थोड़ा सा लूज होगा। मुझे कभी 30 फिट होता है, कभी 32 फिट हो जाता है गाइस, कुछ पता ही नहीं है कि क्या है। एंड ये जीन्स तो मुझे ठीक लग रही है, बाकी मैं इसका ट्राई ऑन आपको शेयर कर दूंगी। ये मैंने कुछ 500 समथिंग की ली थी, आई थिंक 550 ऐसा समथिंग ली थी एंड मुझे याद नहीं है। मैं इसका लिंक दे दूंगी, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लीजिएगा। तो ये सिंपल जीन्स ही है और ये मुझे थोड़ी ठीक लग रही है। देखिए, अगर मैं इसको इस वाली को शायद मैं रख लूँ एंड इस वाली को मैं रिटर्न कर दूंगी। ओके, तो इसके बाद जो मैंने लिया है उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए एंड खुद भी देखने के लिए। ओके, तो नेक्स्ट मैं आपको कुर्ती दिखाती हूँ। तो मैंने ये कुर्ती ली है, येलो इन कलर, अच्छा लग रहा है ना, बहुत प्यारा है। और ये लिबास ब्रांड से है, तो ये कुर्ती है कुछ येलो कलर में, प्यारी लग रही है ना, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी कुर्ती है, बहुत अच्छा मटेरियल है इस पे। ये जो आपको ये शीशे का तो नहीं है लेकिन शीशे जैसा ही काम है इस पे, कढ़ाई है, बहुत अच्छी कढ़ाई है और बहुत अच्छी क्वालिटी की कढ़ाई है। लिबास के लिए क्वालिटी इशू तो है ही नहीं कोई। एंड इस पे आपको ये बटन दिए हुए हैं, मतलब ये शो के लिए ही हैं, खुलते नहीं हैं। एंड इसका राउंड नेक है जो कि बहुत अच्छा है। एंड इसकी जो स्लीव्स हैं वो 3/4 हैं, ठीक है, 3/4 स्लीव्स हैं इस तरीके से। एंड जब आप इसको नीचे आप बढ़ेंगे तो ये पूरी प्लेन है, लेकिन कलर इसका बहुत ज़्यादा अच्छा है, येलो मेरा फेवरेट कलर है। तो ऑल ओवर कुर्ती कुछ ऐसी है। एंड अगर आप इसको मैं बैक से दिखाऊं तो बैक से ये पूरी इस तरीके से प्लेन है, ठीक है। अगर आप इसको, इसमें जो मेरा साइज है वो मीडियम है, मीडियम मैंने इसीलिए मंगाया होगा, उसमें साइज अवेलेबल नहीं होगा। अगर मीडियम आ भी गई है तो मैं इसको अपने टेलर से, मेरे टेलर ही कर सकते हैं इसको, तो मैं अपने टेलर से इसको ठीक करा लूंगी। और मेरे टेलर बहुत ही टैलेंटेड है, बहुत ही अच्छे से कुर्ती को मतलब ठीक ठीक कर देते हैं, तो इसलिए मैंने इसको मीडियम मंगा लिया। मैंने कहा अगर थोड़ी सी बड़ी भी होगी तो मैं इसको फिट करवा लूंगी। एंड ये कुर्ती मुझे बहुत पसंद आई है गाइस, इसको आप जरूर ट्राई करिएगा, बहुत अच्छी कुर्ती है। आपको ये मिंत्रा पे भी मिल सकती है, क्योंकि मिंत्रा का ही मतलब फ्लिपकार्ट पे आपको मिंत्रा के कपड़े मिल जाते हैं। तो लिबास मिंत्रा पे भी है और आप इस वहां से भी, अगर आपको वहां ना मिले फ्लिपकार्ट पे तो आप मिंत्रा से देख लीजिएगा। अगर कोशिश करूंगी, अगर मुझे मिल गई तो मैं लिंक डाल दूंगी मिंत्रा पे भी। एंड ये बहुत अच्छी मुझे कुर्ती लगी है, इसका ट्राई ऑन भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी पॉसिबल हुआ तो। गाइस, टाइम नहीं रहता है, टाइम का इशू बहुत ज्यादा है मेरे साथ, लेकिन मैं कोशिश करूंगी। ओके, तो नेक्स्ट जो कुर्ती है वो है कुछ इस टाइप में और ये भी लिबास की ही कुर्ती है। इस बार मैंने लिबास ब्रांड पे कुछ ज्यादा ही फोकस कर दिया है ना, यस, क्योंकि उसके यार क्वालिटी इशू नहीं होता है, आप आंख बंद करके लिबास से मंगा सकते हैं। और मैंने नहीं खोल के देखी, मैं आपके सामने अभी खोल के देख रही हूँ। तो ये कुछ इस टाइप की कुर्ती है एंड इसका नेक जो है आप देख सकते हैं राउंड है एंड देन यहाँ पे कट है एंड बटन है, ये बटन बंद हो सकती है, तो ये इस तरीके से आप बटन बंद कर सकते हैं। एंड इसका राउंड नेक है और जो इसकी स्लीव्स है वो 3/4 है, जैसा कि आपको दिख रहा है एंड मुझे भी दिख रहा है, मैं भी पहली बार ही देख रही हूँ। स्टफ बहुत अच्छा है, प्योर कॉटन है, कोई डाउट नहीं है।
एंड पूरी कुर्ती पे ये इस तरीके के ब्लॉक्स बने हुए हैं, और मैंने इस बार कुछ येलो पे भी ज्यादा फोकस कर दिया, ऐसा मुझे लग रहा है मैंने कुछ येलो ज्यादा मंगा लिया है। एंड ये कुछ, लेकिन ये थोड़ा सा ब्राइट येलो नहीं है, थोड़ा सा डल है, तो ठीक अच्छा लग रहा है। तो ये कुर्ती मुझे बहुत अच्छी लगी है, एंड ऐसे तो देखने पे सी थ्रू लग रहा है, बट आप कुछ भी अंदर पहनेंगे तो देख लीजिए, बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि डिजाइन है उस पे जो ब्लू ब्लू कलर के ब्लॉक्स हैं तो वो ज्यादा विजिबल नहीं होने देंगे। एंड आप ये देख सकते हैं, आपको ये अगर आपको फिटिंग इशू है तो मे बी यहाँ से फिट भी हो जाएगा अच्छे से, यस यहाँ से टाइट भी हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे डोरी दी हुई है, तो आप यहाँ से इसको नॉट बना सकते हैं यहाँ से टाइट करके। ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा, इस टाइप की कोई भी कुर्ती मेरे पास नहीं थी जिसमें इस टाइप का नॉट्स हों, तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है ये। एंड देखते हैं ट्राई करके कैसी लगती है, और स्टफ काफ़ी अच्छा है, मैं इसको आपको रेकमेंड करूंगी कि आप इसको ले लीजिए, या आप इसको ले सकते हैं। मैं गाइज आपको अच्छी चीज़ें ही बोलूंगी कि आप लीजिए, और जो मुझे नहीं अच्छी लगेगी मैं आपसे नहीं कहूंगी कि आप खरीदिए, क्योंकि जो मुझे नहीं अच्छा लग रहा है तो वो मैं किसी को रेकमेंड नहीं कर सकती, और बाकी तो पसंद सबकी अलग अलग होती है, मुझे कुछ और पसंद है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको भी वही पसंद आए। ओके, तो नेक्स्ट जो है वो है एक कुर्ता और ट्राउजर का सेट है, इसमें भी गाइस मैंने मीडियम साइज मंगाया है, साइज अवेलेबल ही नहीं था, साइज के लिए मुझे बहुत काफी ज्यादा पापड़ बेलने पड़े हैं, क्योंकि स्मॉल साइज एक तो, और जितने मैंने स्मॉल साइज मंगाए हैं वो भी मुझे लूज हो रहे हैं, तो फिर मुझे मीडियम ही मंगाना पड़ा इसका भी, मीडियम रिसीव हुआ। आई डोंट नो, मैं अभी देखूंगी अपने ऑर्डर्स में जाके कि मैंने मीडियम ही किया था, थोड़ी सी मैं कंफ्यूज है, सारे मुझे मीडियम क्यों मिले। तो इसका जो साइज है वो हाँ मीडियम ही है, और ये कुछ इस तरीके का कुर्ता है, पिंक कलर का कुर्ता है, एंड उस पे ये फ्लावर्स बने हुए हैं ब्लू कलर के, ब्लू एंड ब्लैक, आप ये देख सकते हैं पास से, ब्लू एंड ब्लैक है, और स्टफ बहुत ज्यादा हल्का है, प्योर कॉटन का है, और ये बैंड भी लिबास का ही है, और ये यहाँ से नेक इसका इस तरीके से है, एंड आपको यहाँ पे ये डिजाइन मिल जाती है, एंड ये पूरी ऑल ओवर नीचे तक इसी तरीके का है, और बेबी पिंक कलर है तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगने वाला है, और पीछे से आप देखेंगे तो पीछे से भी आपको यही डिजाइन मिलेगी, ठीक है। एंड आपको मैं बता देती हूँ इसमें कोई साइड स्लिट नहीं है, ये थोड़ा सा फ्रॉक टाइप में है, ये देखिए पूरा बंद है, कोई स्लिट नहीं है इसमें, तो ये पूरा फ्रॉक स्टाइल में है, या अनारकली तो नहीं बोलेंगे, बट हाँ थोड़ा सा ए लाइन बोल सकते हैं, ए लाइन कुर्ती है ये, तो ये कुछ इस टाइप का। एंड इसमें वन थिंग, इसमें पॉकेट दी हुई है, ये इसमें पॉकेट दी हुई है आपको, तो बहुत अच्छा है स्टफ, एकदम बहुत ज्यादा हल्का, एकदम सॉफ्ट, आप देख सकते हैं बहुत अच्छा स्टफ है, और इसको भी मैं आपको रेकमेंड करती हूँ, आप ले सकते हैं। एंड जो इसका ट्राउजर है वो मुझे लग रहा है मुझे बड़ा होने वाला है, क्योंकि मीडियम साइज है ना, ये देखिए ना मुझे फिट नहीं होने वाला है, तो मुझे लग रहा है कि कुछ बड़ा होगा। एंड इसका ट्राउजर कुछ इस टाइप का है, जिसमें इस टाइप से डिजाइंस हैं, पास से दिखा देती हूँ, इस टाइप से डिजाइंस हैं और पूरे नीचे तक हैं। तो ये कुर्ती भी मुझे बहुत पसंद आई है, इसको मैं रखने वाली हूँ, और अगर देखूंगी अगर साइज इसका अवेलेबल होगा स्मॉल तो मैं मंगा लूंगी, और अगर नहीं अवेलेबल होगा तो फिर मुझे अपने टेलर के पास जाना पड़ेगा, यस ठीक है। तो मुझे ये कुर्ती काफी पसंद आई, कुर्ती ट्राउजर का सेट, अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो आप इसको डेफिनेटली ले सकते हैं, और बहुत अच्छी है। आई डोंट नो कि अब मुझे कुछ रिसीव होने वाला है कि नहीं, आई थिंक मुझे सब कुछ रिसीव हो गया है। हाँ नहीं, आप प्लीज इसके आगे की वीडियो, मतलब फ्लिपकार्ट का पार्ट खत्म हो चुका है बट क्लॉथिंग मेरा नहीं खत्म हुआ है, तो मैंने कुछ मिंत्रा से भी ऑर्डर किया है, तो आप इसके बाद वाली वीडियो भी जरूर देखिएगा, मैं आपको बता दे रही हूँ। एंड जिन लोगों को लग रहा है कि मैं फेस के साथ नहीं आऊंगी, मैं फेस के साथ जरूर, अभी खत्म नहीं हुआ है गाइज, अभी एक और आइटम है मुझे दिखाने के लिए, ये मत सोचेगा बस हो गया, जाइएगा कहीं भी नहीं। और मैं आपको हाँ बता रही थी कि मैं विद फेस जरूर आऊंगी, और आप मुझे प्लीज देखते रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। एंड ओके, तो नेक्स्ट मैं आपको दिखा रही हूँ, ये एक मैक्सी ड्रेस मैंने ली थी, और मैं इसे काफी दिन से देख रही थी, मैंने इसको मिंत्रा पे भी देखा था, मिंत्रा पे ये थोड़ी महंगी थी बट ये फ्लिपकार्ट पे बहुत सस्ती मिल रही थी, और मुझे ये आई थिंक 460, मैंने आपको बाकी कुर्तीज का नहीं बताया है ना प्राइस, तो मैं ऐसा है ना स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी, और का लिंक भी दे दूंगी, अगर आपको मतलब मिल जाए अवेलेबल हो तो आप चेकआउट कर लीजिएगा।
एंड ये 460 समथिंग की मैक्सी ड्रेस मुझे मिल गई थी और जो कि कभी कहीं नहीं मिलने वाली है। तो ये कुछ ब्लैक इन कलर में है एंड इसकी जो डिज़ाइन है वो गोल्डन की है और आप देख सकते हैं, ओ माय गॉड, मैंने इसको खोली नहीं है तब भी मुझे बिना खोले ही इतनी अच्छी लग गई है, पसंद आ गई है। काफी अच्छा स्टफ है, कहीं आप छोटे मोटे फंक्शन में भी इसको पहन के जा सकते हैं। तो ये जो ब्रांड है ये भी लिबास ब्रांड में है, ये देख लीजिए। तो इसके स्टफ में तो आप बिल्कुल मतलब सोचे ही मत कि खराब होगा। इसमें जो साइज है वो मीडियम है, स्मॉल नहीं अवेलेबल होगा तभी मैंने नहीं मंगाया है। देखूंगी अगर मुझे अगर फिट नहीं होता है, अभी मैंने कुछ भी नहीं देखा, अभी आपके सामने ही खोल रही हूं। तो इसका कुछ राउंड नेक है एंड इसके यहाँ पे ये वाला डिजाइन मिल जाता है, मतलब ऐसे ओवल शेप वाला डिजाइन यहाँ पे आपको मिल जाता है। इसके जो शोल्डर है ये कोल्ड शोल्डर है, ठीक है, ये कोल्ड शोल्डर है यहाँ से। एंड इसकी जो स्लीव्स हैं, आई थिंक जो कोल्ड शोल्डर है तो ये 3/4 में तो चली जाएंगी मेरे हिसाब से, बाकी मैं देखती हूँ मेरे कितना आता है। एंड ये मीडियम साइज है, हाँ मुझे थोड़ी फिटिंग करानी पड़ सकती है। एंड जो इस पर प्रिंट है देख सकते हैं आप, झुमकाज झुमकाज इसमें बने हुए हैं गोल्डन कलर के, एंड ऑल ओवर पूरी मैक्सी ड्रेस में इसी तरीके से झुमकाज हैं। एंड बाय द वे ये मैक्सी ड्रेस मैं आपको बोल रही हूँ क्योंकि मैंने मिंत्रा पे देखा था तो ये एज ए मैक्सी ड्रेस मैंशन था, बट ये फ्लिपकार्ट ए लाइन कुर्ता लिखा हुआ था, बट इसे मैं एज अ मैक्सी ड्रेस ही यूज करने वाली हूँ। और मेरे पास कोई भी ऐसे कुर्ते नहीं है लाइक एकदम जैसे नहीं जो मैक्सी ड्रेस में होते हैं, मैं नहीं लेती हूँ क्योंकि मुझे लगता है मेरे ऊपर नहीं अच्छे लगते हैं। तो मैक्सी ड्रेस भी मेरे पास नहीं थी एक भी, तो मैंने सोचा एक ट्राई करके देखते हैं। सब कुछ होना चाहिए, आपको सब कुछ ट्राई करना चाहिए। एंड अगर पीछे बैक डिजाइन में आपको दिखाऊं तो बैक से भी ये कुछ इसी टाइप का है, पूरे ऑल ओवर में है इस तरीके से। साइज इशू आपको अगर कुछ भी हो तो आप देख सकते हैं, मैं ट्राई करके दिखा दूंगी। एंड इसका स्टफ भी बहुत अच्छा है और ये कुछ कॉटन में ही है, इसको मैं कॉटन ही कहूंगी, प्योर कॉटन है, कोई रेयन वेयन नहीं है। इसमें लिखा हुआ था कॉटन रेयन, बट ये मुझे कॉटन ही लग रहा है, बहुत अच्छा स्टफ है। अब दूसरी बात आती है कि ये गोल्डन प्रिंट वाली, कि अगर आप इसको वॉश करते हैं तो ये निकल जाएगा कि नहीं। देखिए अगर कोई भी आपके किसी भी फैब्रिक में गोल्डन प्रिंट है, ठीक है, आप उसको बचाना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो अगर आपका गंदा होता है, आपको वॉश करना है, तो पहली बार आप ड्राई क्लीन करवाइए। अगर आप उसको, अगर आपका महंगा कपड़ा है या आप उसको रखना चाहते हैं या कभी कभी पहनते हैं, तो आप उसको ड्राई क्लीन करवाइए, पहली बार ड्राई क्लीन करवाइए, उसके बाद आप घर में ईजी वॉश कर सकते हैं, वो भी लाइट हैंड से, बहुत ज्यादा रगड़ के वॉश नहीं करना है, ठीक है। और वैसे भी ऐसी ड्रेसेस रोज रोज कौन पहनता है, तो मुझे भी ये काफी अच्छी लगी है मैक्सी ड्रेस, मैंने खुद ही अभी देखी आपके साथ। सो मैं इसको ट्राई करके दिखाऊंगी कि कैसी लग रही है ये। एंड सो ये थे मेरे आइटम्स गाइस, क्लॉथिंग आइटम जो मैंने लिए थे। आई होप आपको मेरे ये क्लॉथिंग आइटम पसंद आए होंगे, मेरी कुर्तीज पसंद आई होंगी एंड मेरी वीडियो भी पसंद आई होगी। सो चलिए फिर हम लोग
होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज से लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा गाइज, प्लीज लाइक किया करिए ना, प्लीज लाइक करने में कुछ नहीं जाता है, सिर्फ आपको एक लाइक का हिट करना होता है बटन, तो प्लीज लाइक कर दिया करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आगे अच्छी अच्छी वीडियोज के लिए, और नोटिफिकेशन बेल को हिट भी कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं, फिर मिलेंगे, बाय बाय।